नाज़रीन, मंशा अफरीदी आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले की वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ भट्टा मालकान का, कि जो लेबर पर तशद्दुद करते हैं, उनके हकूक तलफ करते हैं और साथ ही मासूम बच्चों से बेघर भी लेते हैं। एक भट्टा है जामपुर में, मैंने उसका हवाला दिया था, फतेह खां ब्रेक्स कंपनी। तो उस फतेह खां ब्रेक्स कंपनी का जो मालिक है वो फतेह खान है और उसके भाई हैं, वो मासूम बच्चों से बेघर भी लेते हैं। मैंने इसी पर एक तफसीली वीडियो ब्लॉग भी किया है जो कि इससे पहले आप देख चुके हैं। और इस वक्त मैं आप लोगों को वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो एक किस्म की हालत दिखा रहा हूँ कि जो इस फतेह खान ब्रेक्स कंपनी का जो मालिक है फतेह खान, वो अपने भट्टे पर मासूम बच्चों से काम ले रहा है। और इसके अंदर आप पूरा तफसील के साथ देख सकते हैं कि किस तरह से वो मासूम बच्चे काम कर रहे हैं। बिल्कुल छोटे 5-5 साल के, 6-6 साल के, 7-7, 8-8 साल के बच्चे, जिनका अभी वक्त है खेलने का, अभी वक्त है जिनका पढ़ने का। बुनियादी हकूक है ये कि वो पढ़ें और खेलें और अपनी नशोनुमा बेहतर करें। हत्ता के हालत ये है कि वहाँ पर जो बच्चे काम कर रहे हैं उन बेचारों की नशोनुमा भी नहीं हो रही, उनकी जो बढ़ोतरी है वो रुक गई है। तो इस बारे मैंने अरबाब इकदार को चैलेंज किया है, हुकाम बाला को चैलेंज किया है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की जो इंतज़ामिया है, रीजन जो डेरा गाजी खान है या जनूबी पंजाब सराय की बेल्ट, इस रीजन की तमाम तर इंतज़ामिया को मैंने चैलेंज किया है, और जिसमें मैंने मुतालबा किया है कि आप लोग कहाँ चले गए हैं। और उस्मान बुज़दार वज़ीला पंजाब, पीएम इमरान खान को भी मैंने यहाँ पर चैलेंज किया है, और आखिर में मैं इस मौका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सुमोटो एक्शन लें और ये जो फतेह खां ब्रेक्स कंपनी है, इसके अलावा जो दीगर भट्टा मालिकान हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें, बच्चों से काम न लिया जाए। यहाँ पर भी आखिर वो जो बच्चे हैं वो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके भी कोई बुनियादी हकूक हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर इस मकाम पर वो तस्वीर देख सकेंगे कि जहाँ पर वो मासूम बच्चे काम कर रहे हैं, और इस भट्टा की तस्वीर भी देख सकेंगे। यकीन कीजिए दोस्तों, दिल खून के आंसू रोता है। सरदार जाफर लिगारी जो कि MNA हैं इसी हलका के जामपुर में, सरदार मोहसिन लिगारी जो कि मिनिस्टर फॉर इरिगेशन है सूबाई सतह पर, तो वो कहाँ चले गए हैं? क्या उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक से कोई गरज नहीं है? और AC जामपुर, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, कमिश्नर डेरा गाजी खान, क्या उनको इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं है? तो दोस्तों, आप तस्वीर देखें और मेरा यूट्यूब चैनल मंशा अफरीदी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।